नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले NTA ICAR AIEEA, यानी कि जिसको कि आप कहते हैं एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी ICAR AIEEA एडमिशन 2021 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। फॉर्म में क्या क्या मांगा सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और इस बार थोड़ा फीस बढ़ी है, लेकिन केवल जनरल वालों के लिए, वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पर, एक पुरानी ट्रस्टेबल वेबसाइट rozgarresult.com के एडमिशन सेक्शन में आपको जाना है, वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जिसका नाम है sarkarirezult.com। दोस्तों गूगल पर जब भी सरकारी रिजल्ट लिखा कीजिए, लास्ट में .com जरूर चेक किया कीजिए, क्योंकि मिलती जुलती नकली वेबसाइट से सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसमें आपको गलत जानकारी, गलत लिंक वगैरह मिल सकते हैं। तो सीधा हम क्लिक करेंगे तो आपको बता दें, फॉर्म जो है 20 जुलाई से शुरू हुआ, 20 अगस्त को शाम 5 बजे तक चलेगा। यूजी कोर्स की फीस में इस बार जनरल वालों के लिए 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले फीस 750 थी, लेकिन इस बार जनरल वालों की 750 हो गई है। ओबीसी और SC ST की फीस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। इसी तरह PG और GRF के कोर्स में भी 20-20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। उम्र की बात करें तो 31 अगस्त 2021 से कैलकुलेट होगी। 10+2 मांगा है। पास अपीयरिंग दोनों ही लोग भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसकी और जानकारी, सिलेबस वगैरह देखना हो, तो आप इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, यहाँ पे UG PG PhD का सिंगल क्लिक करके आप जो है इसको इस तरीके से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं। अगर आपको उसकी पूरी जानकारी और चाहिए कि और सिलेबस और डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, तो आप कर सकते हैं। हम चलते हैं फॉर्म भरने पर, हम सीधा यूजी पे क्लिक कर देते हैं। आपको बता दें UG PG PhD सबका जो फॉर्मेट है वो सेम ही है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे आपको दो लिंक दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा दिख रहा है साइन। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप नए कैंडिडेट हैं। जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको साइन इन पे क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपको सीधा आगे बढ़ना है, यहाँ पे छोटा सा टिक है, टिक को लगाना और आगे बढ़ जाना है। जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आपसे नाम पूछ रहा है, आपको अपना नाम डाल देना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, अपने पिता का नाम डाल देता हूँ, अपनी माता का नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने आईडी प्रूफ डालनी है। आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड जो है दे सकते हो। तो मैं आधार कार्ड डाल देता हूँ और अंतिम के जो है 4 डिजिट यहाँ पे डाल देता हूँ, क्योंकि बता दूं आखिरी के 4 डिजिट डालिएगा, पहले के नहीं, लास्ट के 4 डिजिट, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद आपको एजेंडा लिखना है, आपको ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर डाल देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे लोकेलिटी डाल देनी है, आपको सिटी डाल देनी है, और आपको यहाँ स्टेट सिलेक्ट करना है, फिर डाल देना है। नेक्स्ट आपको पिन कोड डाल देना है, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कर देना है, अगर आपको लोकल एड्रेस कुछ और है तो टिक हटा के आपको एड्रेस को मेंशन कर देना है। यहाँ पे आ जाएंगे आप पासवर्ड के लिए, पासवर्ड बता दूं कम से कम 8 कैरेक्टर का रखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुरेश है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड बना दिया, एस कैपिटल में लिख दिया, ये देखिए मैंने एस कैपिटल में SURESH@123@ की जगह आप हैश भी लगा सकते हैं, डॉलर भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप क्या लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ और अपना आगे जो है बढ़ता हूँ उसको। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप जो है पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो कैसे जो है आप उसको जनरेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन पूछा है, यानी यहाँ पे जो आपको कैप्चा आपके नीचे आ रहा होगा उसी कैप्चा को डाल देना है। उसके यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, जैसे कि आपने अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, सब कुछ जो है चेक कर लिया है, कुछ भी गलती नहीं है। अब इसको सबमिट करना है और आगे चलना है। तो मैं सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे दोस्तों आप सबमिट करेंगे, एक बार डिटेल्स आपसे दोबारा वेरीफाई कराएगा। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपको एक लास्ट मौका मिलेगा कि आपका अगर कुछ भी गलती है तो उसको एडिट करके चेंज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो करेक्शन आता है उसमें सारी चीजें करेक्शन नहीं होती है, उसमें लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं आपको करेक्शन करने के। इसलिए आपको पास एक अंतिम मौका है कि आप उसको एडिट करके सही कर सकते हैं। उसके यहाँ पे आपको कंफर्म करना है अगर आपके में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं कंफर्म करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आप एक डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे, और डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो है अभी कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है अभी जिसपे टिक हो चुका है, और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड इमेज, पे फीस पेंडिंग है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको पेंडिंग क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके लिए अब हम नीचे चलते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों जैसे ही नीचे आएंगे आपको यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा कि आप जो है अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पे एक OTP गया होगा, जिस OTP नंबर को यहाँ पे डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। बहरहाल हम इस फॉर्म को भर के दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, बता दें
प्रोसेस के लिए आपको ओटीपी वेरीफाई करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप उसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर देता हूँ, स्टेट सिलेक्ट कर देता हूँ, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा अंडर द प्रीवियस स्टेट ऑफ यूपीएस, अगर आप यूनियन टेरिटरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। देख सकते हैं यूपीएस आप उसका गूगल पे भी फाइंड कर सकते हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंस पूछ रहे आप गाँव से बिलोंग करते हैं, किस शहर से करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैंने यूजी के लिए अप्लाई किया है, जो लोग पीजी या पीएचडी के लिए करेंगे उनका अप्लाई फॉर यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। उसके बाद पूछा 12th 12th यानी कि इंटर में आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा पीसीएम था, मैंने पीसीएम कर दिया। अगर आपका एग्रीकल्चर वगैरह हो तो आप उसका एग्रीकल्चर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पूछ रहा है पेपर का मीडियम, तो मैंने पेपर मीडियम हिंदी लिया है। अगला जो है बता दूं आपको, यहाँ पे टोटल 4 एग्जामिनेशन सेंटर लेने हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी यूपी के लेना चाहें। मैंने जैसे 2 दिल्ली, 1 तो यूपी ले लिया है, 1 दिल्ली ले लिया और 1 बिहार ले लिया है। मैंने पहला सेंटर आगरा ले लिया है, दूसरा सेंटर इलाहाबाद ले लिया है, तीसरा जो है दिल्ली का दिल्ली ले लिया है, और बिहार में मैंने गया ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ जाएगा क्लास 10th का डिटेल्स। क्लास 10th का आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है कि आप पास है। यहाँ पे स्ट्रीम पूछेगा आपका, क्लास 10th कर दीजिए। आपका स्कूल पूछेगा, आपका स्कूल गांव में है कि शहर में, आपको सिलेक्ट कर देना है। अर्बन कर दिया मैंने जैसे। उसके बाद यहाँ पे आपका बोर्ड पूछा, बता दें आईसीएससी बोर्ड वाले पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एनआईयूएस है तो अपने बोर्ड का जो भी आपका नाम हो तो आप उसको जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा यूपी बोर्ड है तो मैंने यूपी बोर्ड सिलेक्ट कर लिया है। रिजल्ट का परसेंटेज डाल दिया है। यहाँ पे पूछा कितना नंबर आपको मिला है, तो मेरा नंबर जो था तो मैंने जो है नंबर अपना डाल दिया है। और यहाँ पे टोटल मार्क्स डाल देंगे, जैसे आप टोटल डालेंगे ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज जो है कैलकुलेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल देना है क्लास 10th का, और जो इंस्टीट्यूट का नाम है आपके जो है वो डाल देना है। इसी तरह क्लास 12th का पूछेगा कि आप पास है क्या, अपीयरिंग है। क्लास 12th का आपका परसेंटेज पूछेगा, स्कूलिंग पूछेगा, वही सेम प्रोसेस है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वही सेम प्रोसेस पे चल रहा है कि आपका जो क्लास 10th का डिटेल्स है वो कहाँ का है, मतलब कि वही सेम प्रोसेस, परसेंटेज है, सीजीपीए है। और यहाँ पे भी आपको इस सेम प्रोसेस करना है, अपना ऑप्टेन मार्क्स डाल देना है, टोटल मार्क्स डालना है, रोल नंबर डाल देना है। ये देख सकते हैं मैंने पूरा भर दिया है। आगे के ऑप्शन जो थोड़े आपके पेरेंट्स के डिटेल्स मांगे जाएंगे, यानी कि आपके पिताजी जो है कहाँ तक पढ़े हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, माली एग्रीकल्चर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट प्राइवेट, आप खुद दे सकते हैं। अगर एम्प्लॉय नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी इनकम पूछ रहा है, आपकी मदर की क्वालिफिकेशन पूछ रहा है क्या है, आपकी मदर क्या करती है, तो आप जो भी है आपका इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चेकलिस्ट पूछेगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन के समय चेकलिस्ट देखी थी वही सेम प्रोसेस है। आपको चेकलिस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी यानी कि जो कैप्चा आ रहा है उसको सेम उसी तरीके से डाल देना और सबमिट करके आगे चलना है। तो मैं सबमिट करता हूँ और आगे चलता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं आपका पूरा फॉर्म जो है यहाँ पे दोबारा खुल के आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे भी एक बार एक मौका है कि आप इस फॉर्म को सही कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इसको आगे बढ़ गए तो जब करेक्शन डेट आएगी सारी चीजें करेक्शन नहीं होगी। तो इसलिए पूरा सही से भरिएगा, यहाँ पे कंफर्म डिटेल करके आगे चलना है। तो मेरा सब कुछ सही है, मैं कंफर्म करता हूँ और आगे चलता हूँ। दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बता दें यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी है। फोटो का साइज 10 से 200 के भी बीच होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड लाइट रखिएगा, और ये बता दें सिग्नेचर जो आपको करना है व्हाइट पेपर में ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है। और साथ ही साथ आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है। इसके अलावा जो पीएच कैंडिडेट है उनको पीएच के डॉक्यूमेंट या स्पेशल कुछ भी अगर आप लगाएंगे तो उसका जो है आपको देना है। तो यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, आपके कंप्यूटर मोबाइल पर कहीं भी उसको ब्राउज करना है और अपलोड करना है। तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं फोटो सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन मैंने अपलोड कर दिया है। बता दें मेरी फोटो नहीं है, मैंने नॉर्मल गूगल सर्च से डाउनलोड कर लिया और इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे अब आपको ये टिक करना है व्यू एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास एक बार और मौका है कि आप उसके यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो मेक पेमेंट करके अपने फॉर्म को कम्प्लीट कीजिए। तो मैं मेक पेमेंट करता हूँ। आपको बता दें इसमें पेमेंट के लिए आपको कई मेथड मिल जाएंगे, जैसे कि आप स्टेट बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, पेटीएम है, कैनरा बैंक है, एचडीएफसी है, तो आप किसी को भी जो है चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं स्टेट बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे टिक करता हूँ प्रोसीड फॉर पेमेंट करके आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आप आगे बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं इसका पेमेंट आप स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग है, अदर बैंक की नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और ये लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये जो है बैंक चालान का है। बैंक चालान का ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपको एक चालान निकलेगा और बैंक में जाके इसको ऑफलाइन पेमेंट के थ्रू जमा करना पड़ेगा। यूपीआई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस मेथड से चाहे इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इस फॉर्म का पेमेंट नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे, तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट रहेगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।